4% नहीं है, कई रिकमेंडेशन ये है कि हमारे तादाद या फिर हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से इट शुड बी एटलीस्ट 8%। मुस्लिम कम्युनिटी का मतलब ये नहीं है कि रिलीजियस हैं, ये लोग अंडर प्रिविलेज हैं, और सोशियो इकोनॉमिक के तरफ से ये परसेंटेज दी गई है उनको 4%, ना कि इनको रिलीजियस के तौर पे। 4% पे ही ये कौम मुतमईन थी, उसको भी निकालना ये बहुत ही दुश्वार है और नाइंसाफ़ी है। अगर इसको नहीं माना जाता है तो फिर कानूनी कार्रवाई करने के लिए फोरम बिल्कुल तैयार है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, एमएसके मिल रोड, अल शरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल, मिसगोरी रोड, गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरई बीएससी डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स, यदुला कॉलोनी, एंड हैप्पी डेज प्ले स्कूल, ओल्ड जेवरगी रोड। बतारीख 28/3/2023 को गुलबर्गा माइनॉरिटी फोरम के तरफ से एक मेमोरेंडम डीसी साहब को दिया गया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जो 2B कैटेगरी रिजर्वेशंस स्क्रैप कर दी है, कैंसिल कर दी है, जिसका नुकसान मुस्लिम कम्युनिटी को हो रहा। मुस्लिम कम्युनिटी का मतलब ये नहीं है कि रिलीजियस हैं, ये लोग अंडर प्रिविलेज हैं, और सोशियो इकोनॉमिक के तरफ से ये परसेंटेज दी गई है उनको 4%, ना कि इनको रिलीजियस के तौर पे। लिहाजा इसको क्लियर करते हुए हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं डीसी साहब को कि हमारी ये जो मेमोरेंडम है गवर्नर को भेजे, उसमें ये रिकमेंड किया गया है कि जो गवर्नमेंट ये ऑर्डर निकाली है 4% रिजर्वेशन कैंसिल करके, उसको रीइंसिस्ट करें, और इसको फिर 4% नहीं है, कई रिकमेंडेशन ये है कि हमारे तादाद या फिर हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से इट शुड बी एटलीस्ट 8%। 4% पे ही ये कौम मुतमईन थी, उसको भी निकालना ये बहुत ही दुश्वार है और नाइंसाफ़ी है, जिसके लिए हम इस फोरम के तहत एक मेमोरेंडम दिए हैं। अगर इसको नहीं माना जाता है तो फिर कानूनी कार्रवाई करने के लिए फोरम बिल्कुल तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रईस बेली। आज गुलबर्गा माइनॉरिटी फोरम के तहत जो है ना, हम एक मेमोरेंडम दिए हैं डीसी साहब को, डीसी साहब के तवसल से गवर्नर को भेजे हुए हैं, ताकि जो हमारी 2B जो रिजर्वेशन था उसको जो कैंसिल किए हुए हैं उसको बहाल करे बोलकर जो है ना एक हम मेमोरेंडम दिए हुए हैं। तो उम्मीद है हमें कि गवर्नर जो है ना इसको एक्सेप्ट करते हुए हमको उसको 2B कैटेगरी के इसको बहाल करेंगे। अगर वो ना होता है तो उस सूरत में हम जो है ना इस फर्म के तहत जो है ना कुछ कानूनी कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह।